नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास कार्यक्रम में। आज 21 जून है और ये तारीख उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारी जिंदगी में योग। और अगर बात इतिहास की करें तो योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुरानी हमारी संस्कृति है। तभी योग के निरंतर अभ्यास से ऋषि मुनि, साधु संत, पूर्वज सभी निरोग रहा करते थे। और इस बात को भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मान लिया है। तभी तो पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। और आज इस खास अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु अतुल व्यास जी और इसी के साथ डॉक्टर आशीष चंद्रा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। सबसे पहला सवाल व्यास जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से निरंतर योग के अभ्यास से हम स्वस्थ रहते हैं और इस योग का इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन अब आजकल के जो लोग हैं उनका झुकाव एलोपैथ की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, योग में पांच शरीर मानते हैं हम। इस शरीर के साथ पांच शरीर होते हैं। पहला शरीर है अन्नमय कोश, यानी कि फिजिकल बॉडी। दूसरी जो बॉडी है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ माइंड, मतलब मनोमय कोश जी। तीसरी जो बॉडी है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश, यानी बॉडी ऑफ प्राणा, द वाइटल फोर्स। और चौथी जो बॉडी है वो उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, द बॉडी ऑफ इंटेलेक्ट। और आखिरी जो कोश है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश, द बॉडी ऑफ ब्लिस या सोल जी। अब क्या है कि जो भी बीमारी का उद्गम, शुरुआत अगर अन्नमय कोश से हुई है जी, तो एलोपैथी इज ए 100% क्योर। उसमें मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि एलोपैथी में जाना चाहिए, नुकसान नहीं है। लेकिन जो बीमारी मनोमय कोष से पैदा होती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं, ये बीमारियां डॉक्टर्स कहते हैं कि साहब हम मेंटेन कर सकते हैं, गोलियां जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ठीक नहीं होगी। क्योंकि डॉक्टर्स के पास मनोमय कोश की चाबी नहीं है, दे डोंट हैव एक्सेस टू द माइंड, बॉडी ऑफ माइंड। योग की जो ताकत है कि योग के पास पांचों बॉडीज की कुंजी है, और इसके लिए केवल आसन ही नहीं है, इसके लिए हमारे यम है, नियम है, उसके बाद आसन है, उसके बाद प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। ये सब आठ अंग हैं। यम नियम बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट हैं हेल्दी रहने के लिए और आदमी को सुपर पावर, सुपरमैन बनने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पांच यम बताए जाते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। गांधी जी वॉज ए वेरी ग्रेट सुपरमैन, क्यों कि उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों को पकड़ा इनमें से, पांच में से। क्या क्या पकड़ा? सत्य और अहिंसा, एंड ही बिकेम ए सुपरमैन। तो अगर आप सोचें कि पांचों यमों को जिसने पकड़ लिया और पांचों नियमों को जिसने पकड़ लिया, वो तो सुपर डुपर मैन बनेगा, उसको बीमारी रह ही नहीं सकती। तो ये हमारी हीलिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ अब मैं चंद्रा जी आपसे भी जान लेती हूँ कि जिस तरीके से एलोपैथ हर बीमारी के इलाज का दावा तो करता है, लेकिन जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो साथ में एक और बीमारी साथ ले आते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स लेकर आते हैं, तो इससे कैसे क्योर किया जाए? जी, एलोपैथ की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसीलिए आया है क्योंकि किसी भी कोई भी बीमारी है तो उसका फौरन इलाज हो सके। मतलब जैसे कोई भी बीमारी हमें होती है तो एलोपैथिक मेडिसिन ही इकलौती मेडिसिन आज तक टिल डेट है जो कि तुरंत एक्शन में काम करती है और जो तुरंत बॉडी को आराम देती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन लेने में। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है तो साइड इफ़ेक्ट्स हर एक मेडिसिन का होता है, साइड इफ़ेक्ट्स हर एक मेडिसिन का देखा गया है कि कुछ ना कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट की भी अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट जो है एक लॉन्ग टर्म में होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर दवाई जो है बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं तब उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप छोटे समय के लिए ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है ऐसा। जी, लेकिन साइड इफेक्ट की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या शुगर से रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। हम जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय तक दवाइयां खाएंगे तो उससे हमें साइड इफेक्ट हो सकता है, तो लेकिन इससे बचा कैसे जाए? जी, साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए, तो हर एक, हम जब भी
किसी चीज़ की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर जो है डॉक्टर से परामर्श करके ही कोई भी मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं, जी तो डॉक्टर उस चीज़ को देखते हैं कि उस चीज़ का आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट है, क्योंकि कोई भी दवाई जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती है, तो आपकी जो बीमारी है उसके लिए कौन सी दवाई सुटेबल है वो डॉक्टर एक बार जब टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि आपके ब्लड में क्या लेवल्स हैं, क्या मात्रा है, किस चीज़ का फ्लक्चुएशन है, उस हिसाब से वो दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते हैं। जी और दवाइयाँ आज के टाइम पे जैसे मार्केट में दवाइयाँ आ रही है तो वो बिना ट्रायल्स के दवाई नहीं आती है, पहले उसका जानवरों पे ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके बाद वो कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है। तो कोई भी मेडिसिन में अगर इतनी ज़्यादा साइड इफेक्ट होगी तो वो मार्केट में आएगा ही नहीं। बिल्कुल तो इसीलिए मेडिसिन अब जो आ रही है मार्केट में वो बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है जिसको कि फॉलो करती है, वो उनको फॉलो करने के बाद ही मेडिसिन मार्केट में आती है, तो उनका जो जी साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट पहले की मात्रा पहले की तुलना में जो है अभी बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलता है। और जब भी जी गवर्नमेंट की जानकारी में आता है कि कोई विशेषकर मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है पर्टिकुलर, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स को बैन भी किया है इंडिया में। जी बिल्कुल। अब व्यास जी, मैं आपसे भी जान लेती हूँ इसी बात को लेकर कि जिस तरीके से अभी चंद्र जी कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट से बचने के लिए डॉक्टर से परामर्श करें, लेकिन योग इसमें क्या भूमिका निभाता है? क्या साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है योग के निरंतर अभ्यास से? जी इसका मैं रीजन देता हूँ, जो मेरी समझ है, जो हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, जी एलोपैथिक मेडिसिन बीमारी का रूट कॉज को रिलोकेट कर देती है, यहाँ बिल्कुल से हटा के वहाँ रख दिया, वहाँ से हटा के वहाँ रख दिया, उसको एलिमिनेट नहीं करती। योग जो है वो बिलीव इन एलिमिनेशन, और योगा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हाथ हथेली यो ली है, अब इस हथेली को मैं कस के दबाऊंगा तो ये एकदम सफ़ेद हो जाएगी, बिल्कुल फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे एकदम लाल हो जाएंगे। तो जी कॉन्ट्रैक्शन से मैंने इसकी सफ़ेद खून का प्रभाव रोका, और जब मैंने खून का प्रभाव रोका तो शरीर की टेंडेंसी है कि दुगने प्रभाव से वो खून वहाँ भेजेगा। बिल्कुल तो इसी तरह से योगा की जो भी आसन हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो सब इसी सिद्धांत पे काम करती हैं, जी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन। तो उससे वो फ्लश हो जाता है वो ऑर्गन, और वो जो गंदगी है जिसको हम आम बोलते हैं, टॉक्सिन्स जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, जो हमारे एलिमिनेशन के तीन चार जगह चीज़ें हैं उसके द्वारा। इसलिए जी योग में योग इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर रिमूविंग आई मीन प्रिवेंटिंग एंड रिमूविंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। व्यास जी, जिस तरीके से योग हर बीमारी से लड़ने का दावा करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी को अस्थमा का अटैक पड़ता है तो क्या इंस्टेंट इलाज के लिए योग वहां पर काम करेगा? देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे कि रिलीफ हो जाता है तुरंत, जी जैसे कि झुक आप एकदम कुर्सी के ऊपर झुक जाएं तो बिल्कुल उसे आपको जो डायफ्राम है वो आपकी लंग्स को लेने की ताकत वो बढ़ जाती है बिल्कुल स्थिति। और अस्थमा जो होता है वो हमारे योग के अंदर 6-7 ग्रंथियां बताई, ग्रंथि इज ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स। जी तो योग अस्थमा को वायु ग्रंथि की कमजोरी से अस्थमा होता है, वायु ग्रंथि में हार्ट आता है, थाइमस ग्लैंड आती है और लंग्स आते हैं, और इन ग्रंथियों की ताकत अगर अच्छी होती है तो आदमी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिफाइंड है उस योग के अंदर कि ये होती है, और जब कमी होती है, इस ग्रंथियाँ कमजोर होती है, इसकी वीक एनर्जीज हो जाती जी हैं, तो वो अस्थमा, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब होने लग जाती है। इसको दूर करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि इसको जी दूर करती है, पर इंस्टेंट रिलीफ जो है वो तो मेडिसिन ही देती है, इस पे मुझे कहने में कोई शबो शुबा नहीं है। जिस तरीके से आपने एक्सरसाइज की बात की है, कुछ जिससे अस्थमा से बचा जा सकता है, क्या कुछ वो एक्सरसाइज होंगी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए हार्ट और लंग जी दो ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करते रहते हैं, सीजलेस थैंकलेस जॉब है इनका, किसी को कोई मतलब नहीं, बेचारे चलते करते रहते हैं करते रहते हैं, और इनके कार्य करने की क्षमता पे सारा शरीर ही इन पे एक तरह से निर्भर होता है। बिल्कुल तो इनको करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे कि लंग्स की एनर्जीज स्ट्रेंथन होती है। उनमें से एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है
आपकी भुजंग आसन, दूसरी एक्सरसाइज है सर्वांग आसन और तीसरी एक्सरसाइज है मत्स्य आसन जी, फिश पोज इस और सुप्त वज्रासन वगैरह। क्योंकि बेसिकली अस्थमा क्या है, जब गैस वायु मतलब वायु होती है और कफ बनता है, तो ये दब दोनों बंद गर्मी और ठंडी की बीमारी है ये। तो पहले तो किसी के साइनोसाइटिस होता है, गला खराब होता रहता है, वो ध्यान नहीं देते कि फिर पेट खराब होता है। तो पेट की पेट का भी इलाज चले, गैस का इलाज हो, गैस अगर दब जाएगी तो अस्थमा तकलीफ नहीं देगा, अगर कफ खत्म हो जाएगा तो अस्थमा का दुख नहीं देगा इसके अंदर। हाँ, भस्त्री का प्राणायाम जो कि सर्दियों में किया जाए या जल्दी उठ के किया जाए गर्मियों में, वो बहुत फायदा देता है, वो गर्मी लाता है और इस लंग्स की एनर्जी बढ़ाता है। भस्त्री का प्राणायाम से रिलीफ तुरंत आता है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता, उससे रिलीफ तुरंत आता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से चंद्रा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि एक बात है कि एलोपैथ के पास हर बीमारी का इलाज है, इंस्टेंट इलाज है, लेकिन परमानेंट इलाज की बात करें तो वो कैसे? जी, परमानेंट इलाज की जहाँ तक हम बात करें तो परमानेंट जो भी चीज़ें हम देखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, जिसको कि हम एक्यूट बीमारियाँ बोलते हैं। तो छोटे ड्यूरेशन की जो बीमारियाँ होती है वो ठीक हो जाती है जल्दी, मतलब आप जैसे 2 दिन या 3 दिन मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उनसे ठीक हो जाती है। लेकिन जो गंभीर बीमारियाँ हैं, जो क्रॉनिक डिजीजेस आती है, जैसे हार्ट की बीमारी है या फिर डायबिटीज है किसी को, ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें अगर कोई भी सोचे कि तुरंत में ठीक हो जाएगी, तो ये तुरंत में ठीक होने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें क्या है कि प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डाइट और इसके साथ साथ जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो है योगा और इन सब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर प्रॉपर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये सब जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं उसका रिकरेंस नहीं होगा और वो जो है धीरे धीरे आपके शरीर में कम होती जाएगी। जी, तो कोई भी जो क्रॉनिक बीमारियां है वो एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी, उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो बढ़े ना हमारे शरीर में, उसका लेवल ना बढ़े और वो हमें नुकसान ना दे, हम उस चीज को कम कर सकते हैं। जी, हम लोग योगा की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एलोपैथ की भी बात कर रहे हैं। चंद्रा जी, जिस तरीके से हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए इलाज की, जब हम इलाज कराने जाते हैं तो परमानेंट इलाज तो मिलता नहीं, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट के साथ अब इलाज भी ढूंढ लिया है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज फिर भी नहीं है और इतना ज्यादा महंगा इलाज होता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके? योगा से भी जुड़े अभी सवाल हम मैं व्यास जी से लूंगी, लेकिन आप बताएं कि इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है? जी, कैंसर जो है, कैंसर बहुत सारे कारणों से होता है। सबसे पहला कारण है कहीं भी अगर आपको बार बार चोट लग रही है तो वो भी एक कारण है कैंसर होने का। इसके अलावा और भी कारण है कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल, बहुत लोग जो है शराब या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो इससे भी कैंसर होता है। तो पहली चीज़ तो है कि हम बचें उन चीज़ों से जिनसे कि हमें कैंसर हो सकता है, उन चीज़ों से अगर हम बच रहे हैं, उन चीज़ों से अगर हम उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो एक स्टेप तो आप वहाँ बच गए। और अगर जिनको कैंसर हो रखा है या फिर जिनको कैंसर, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट है, तो हाँ, कैंसर का आज के डेट में कंप्लीट ट्रीटमेंट है, वेरियस मोडालिटीज़ है आज के टाइम पे, जैसे कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि कैंसर को ठीक किया जा सकता है। लेकिन कैंसर में भी हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब हम शुरुआती स्टेज में अगर उस चीज का पकड़ में आ गया तो हम उस चीज को कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में, जैसे कि पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, मेटास्टाइज हो गया, पूरे बॉडी में कैंसर ट्यूमर्स फैल गए, तो उस स्टेज में अगर हम चाहें कि उस चीज को कंट्रोल कर लें तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो समय रहते हुए अगर किसी चीज का, कैंसर का भी प्रॉपर डायग्नोस हो जाए तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर देर हो जाती है तो फिर कोई भी डॉक्टर उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकता है। चंद्रा जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट की बात, अगर टाइम पर ले लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि कैंसर का जो रिजल्ट आता है, अगर कैंसर है या नहीं है, वो तो थर्ड स्टेज या फिर सेकंड स्टेज पर ही पता चलता है, तो जब तक क्योर कोई करेगा तब तक तो फिर टाइम ही कम बचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम फर्स्ट स्टेज में या शुरुआती स्टेज में ही अगर हम उसको पकड़ लें, जैसे कि प्री मेलिग्नेंट लीजन होते हैं, कुछ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मुख में, हमारे मुंह के अंदर जो है कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेनली हमारा इंडिया में सबसे मोस्ट जो कैंसर है वो ओरल कैंसर का फॉर्म देखा गया है, तो मुंह में जो कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जब उसमें
जो मुंह की खाल होती है उसमें बदलाव आने शुरू हो जाता है, जैसे वो सफेद होने लगता है या लाल लाल धब्बे आपको दिखने लगते हैं। तो ये चीज जो है आप नॉर्मल अपने घर में भी एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे किसी का गाल बार 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 कट रहा है, तो वहां कोई घाव तो नहीं हो रहा, वो घाव लंबे समय तक है, वो घाव हील हो रहा है जल्दी या नहीं हो रहा है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि अगर हम ध्यान में रखें, और अगर हमारे मुंह में कोई छाला हो रहा है, एक छोटा सा छाला हो रहा है, और अगर वो भर नहीं रहा है, मतलब विद इन अ वीक अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, वो कम से कम 15 दिन 20 दिन या महीने दिन से ज्यादा से है, तो तुरंत से तुरंत जो है डॉक्टर को दिखवाएं। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें एक लक्षण है, ये एक इंडिकेटर है कि हाँ जी आपके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है, जो कि फर्दर कन्वर्जन हो सकता है उसका, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया बोलते हैं हम अपने टर्म्स में। तो डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स जो होती है, सेल का फंक्शनिंग जो है होता है, वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम अगर उसको अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लें प्रॉपर, उसके लिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे तो वो आपकी एक बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी एक छोटा सा प्रोसीजर है, 5 मिनट का प्रोसीजर है, जिसमें कि आपके गाल से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी या जी साइटोलॉजी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके मुख में कोई बीमारी हो रही है या कैंसर अगर होने वाला है, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टेज है, या अगर हो चुका है, तो उसका आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा, और फर्दर आप उसका ट्रीटमेंट लेके जो है उस चीज से बच सकते हैं और उस चीज को ठीक कर सकते हैं समय रहते हुए। जी बिल्कुल। अब व्यास जी, मैं आपसे यही सवाल लेती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने एलोपैथ से जुड़ा इसका ट्रीटमेंट बताया और इसके क्योर्स बताए हैं, लेकिन योग से कैंसर से कैसे बचा जा सकते है? क्योंकि एलोपैथ का कैंसर से जो जुड़ा इलाज है वो बहुत महंगा होता है, तो अगर हम योग का निरंतर अभ्यास करेंगे तो शायद बचा जा सकता है, पैसे भी कम लग सकते हैं। तो योग में ऐसा क्या कुछ है जो कि कैंसर से बचने के लिए लाभदायक होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि योग में हम माना गया है कि जो सेल बीमार होते हैं, जो ऑर्गन बीमार होता है, उसके जो सेल होते हैं बिल्कुल वो बहुत एजिटेटेड स्टेट में है। जी एक्चुअली योग ये मानता है कि हमारा शरीर एक नहीं है, वी आर ए कॉलोनी ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स लिविंग, वन सेल और वी आर ऑर्गेनिजम्स, बिलियंस ऑफ वन सेल ऑर्गेनिजम्स का एक एमलगेशन है, एक कॉलोनी है। हमारा शरीर एक नहीं है कोई, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब सेल्स एजिटेटेड, देखिए जब माइंड एजिटेटेड होता है तो दैट एजिटेशन सेल्स को पास ऑन होता है। तो हमारे यहाँ मानते हैं कि अगर आप शांत होंगे, अगर आप एकदम पीस अपने मन में ले आएंगे या ब्रेन में लाएंगे, और स्टिलनेस, बिल्कुल स्टिलनेस और पीस इफ यू कैन क्रिएट विद इन योर सेल्फ, और उस पीस और स्टिलनेस को आप जो इफेक्टेड एरिया है आपके ऑर्गन का, जो प्रॉब्लम है, डिजीज एरिया है, वहाँ ले जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन बड़ा इजी है प्रोसेस जी। तो सेल्स में एकदम शांति आ जाती है, जैसे ही शांति आती है वो बीमारी तत्काल दूर हो जाती है, ऐसा देखा गया है। नंबर टू, 1969 में जब कैंसर का कोई इलाज बहुत था नहीं, एक पत्रिका आती थी नवनीत, उसके अंदर एक जैन ट्रेडर का पूरा अकाउंट था, कम से कम 20 पेज का जी। उस पे उसने बताया था कि कैसे उसने थ्रोट कैंसर विदाउट मेडिसिन ठीक किया जी। और उसने कैसे किया, सुबह 4 बजे उठ के वो उनका जैनियों का मन नमो अरिहंत तानम जपता था जी। उसके बाद वो व्यापार करने पे उसने कसम खाई कि सत्य अहिंसा, मैं किसी चीज़ को, मेरी जरूरत से ज़्यादा चीज़ को रखूँगा नहीं, किसी दूसरे की चीज़ की इच्छा रखूँगा नहीं। उसने प्रैक्टिस किया तो पानी भी उसका निकलना बंद हो गया था, धीरे धीरे पानी चालू हुआ। ये नवनीत पे छपा था, जो उस वक्त ही बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है, उसकी कॉपी मेरी मदर के पास रखी थी, उन्होंने मुझे पढ़ाई थी। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप मन को चेंज करेंगे तो शरीर में चेंजेस आने अवश्यंभावी हैं। तीसरा पॉइंट कि हमारा ब्लड जो है 30% एसिडिक होता है, 70% एल्कलाइन। अगर रॉन्ग हैबिट्स और स्ट्रेस से, स्ट्रेस हार्मोन के द्वारा या बहुत सारे और कारणों के द्वारा ये एसिडिक ब्लड जो है, एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है और एल्कलाइन कंटेंट कम हो जाता है, इससे सारी प्रॉब्लम होती है। कहते हैं आई मीन योग में ऐसा मानते हैं कि अगर आप अपने ब्लड को एल्कलाइन जो 70% है वो रखें तो कैंसर सेल उसमें ग्रो नहीं होते, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कैंसर सेल की ग्रोथ होती है। तो ये छोटे छोटे इलाज हैं, आदमी इसको प्रिवेंटिव करें, सेल्स को वहाँ ले जाए, योग निद्रा है और
अभी ये लेटेस्ट जो रिसर्च आई है उसमें ये है कि विजुलाइजेशन एक बहुत बड़ी टेक्निक है, जिससे कि अब तो ये आ गया है कि अगर आप एक्सरसाइज की कल्पना भी करें बहुत डीप, तो 33% उसका रिजल्ट मिलता है। तो विजुलाइजेशन से भी हीलिंग के अंदर बहुत फायदा होता है। अब व्यास जी, मैं आपसे ना आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों का यही कहना था कि जब भी आपके पास व्यास जी आए या फिर डॉक्टर आए या फिर योग गुरु आए, तो उनसे ये सवाल जरूर लीजिएगा कि जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें ऐसा होता है कि सब लोगों को ऑफिस जाना होता है, किसी के पास योगा करने का टाइम नहीं है, और कभी कभार मेडिसिन भी लेना भूल जाते हैं लोग। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज या फिर कोई योगा के व्यायाम है कि जो हम ऑफिस में चेयर में बैठ के आराम से कर सकते हैं? पर्सनली ये मेरा भी सवाल है, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। जी, मैं आपको सबसे पहले, देखिए, सबसे पहला अगर आपका पेट साफ रहता है, जी, कब्जियत नहीं रहती, सारी बीमारियों की जड़ योग में और आयुर्वेद में पेट को माना गया है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर के पास या योगा के पास जाएंगे, तो अगर वो जानकार है तो पहला प्रश्न पूछेगा कि तुम्हारा पाचन कैसा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले पाचन क्रिया को सुधारने के आसन करने चाहिए। उसका पहला तरीका है सुबह उठ के हल्का गर्म पानी के 2-3 गिलास पिए, जितने आपकी कैपेसिटी हो। उसके बाद एक आसन होता है हस्तोत्तान, मतलब हाथों को उत्तान उठा के आप खड़े होके इधर और उधर कम से कम 50 बार करें जी। फिर एक हाथ को ऊपर करें, एक हाथ को नीचे करें, फिर इसको ऐसा करें, ऊपर करें, नीचे करें जी। तो आप देखेंगे कि आपका कब्जियत अपने आप जाने लग जाएगी बिना किसी परगेटिव के लिए। बिल्कुल। जैसे जैसे आपका पाचन और कब्जियत में सुधार होगा, आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम थक जाते हैं तो जनरल टेंडेंसी होती है कि हम ऐसे हाथ करके खड़े होते हैं, ऐसे थक गए। ये जो बैक बेंड्स है, ये फेटिक को फाइट करने के बेस्ट साधन है। तो बैक बेंडिंग, चेयर पे बैक बेंडिंग कर ली, गर्दन को बैक बेंडिंग कर ली, अपने स्पाइन को बैक बेंडिंग कर ली, और ट्विस्टिंग ऑफ स्पाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे, क्योंकि सारे ऑर्गन जो हैं वो स्पाइन के अलोंग, उसकी जो हर ऑर्गन की पोजिशनिंग जो है, इट इज ऑलवेज विसाविज द स्पाइन, मतलब फिक्स होता है कि इतने सेंटीमीटर पे, इतने जनरली मोटा मोटा। तो ये जो है, इससे प्रॉपर जो इंटरनल अलाइनमेंट है वो आ जाता है। और सब आखिरी जो आपको करना चाहिए वो होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ऐसा माना जाता है कि एंग्जाइटी भी बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। बिल्कुल। और एंग्जाइटी दूर करने का, अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डेनियल अमीन, वो न्यूरोसर्जन है, और उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राम का वर्ल्ड के अंदर पहला प्रयोग किया कि एक्टिव ब्रेन का उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राम, मतलब वो फोटो खींची है उन्होंने जी। उन्होंने रिसर्च करके ये पाया कि ब्रेन में एंग्जाइटी के लिए, उन्होंने एंग्जाइटी, फियर, फोबिया जो आजकल ज़्यादातर लोगों को है, उसका कारण उन्होंने पाया कि ब्रेन में एक पार्ट होता है बेसल गैंगलिया जी। ये जब ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव, फास्ट करने लग जाता है, तो हमारी एंग्जाइटी होती है, और चलता है तो फियर हो जाता है, फिर और होता है तो फोबिया हो जाता है जी। इसको कंट्रोल करने का मैंने उनको 10 इंटरवेंशन भेजे थे योग के, तो उन्होंने 3 इंक्लूड किए हैं। उनमें से सबसे जो इफेक्टिव उन्होंने माना है वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कैसा करना है, हाथ को आप ऊपर ले गए बैठे बैठे, और बस गहरी गहरी सांस ली, इससे आपका पेट बाहर आएगा और अंदर जाएगा। यू विल बी ब्रीदिंग बाय द एब्डोमेन, आपकी एंग्जाइटी में तुरंत रिलीफ आएगा। तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में आप काम में ले सकते हैं जी। और इसका प्रैक्टिकल फायदा तुरंत देख सकते हैं। बिल्कुल। हाथ कंगन को क्या आरसी। व्यास जी और चंद्र जी, हमारे दर्शकों के भी कुछ सवाल हैं, जो उन्होंने कहा था कि व्यास जी और चंद्र जी जब आएंगे तो उनसे जरूर जान लेना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी व्यास जी, कि जिस तरीके से एक सवाल आया है हमारे पास कि क्या किसी बीमारी के होने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं हमारे चेहरे से, या फिर हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है? देखिए, योग में एक हमारे टेक्निक है जिसको इंग्लिश में मैं बोलूंगा कि द टेक्निक टू टॉक टू योर बॉडी एंड लिसन टू योर बॉडी जी। हमारे शरीर के हर अंग के कुछ बोलता है,
और बीमारी जब शरीर में आती है उसका एग्जीबिशन मतलब वो पैरामीटर में आती है मेडिकल के 2 साल बाद, उससे पहले आपको शरीर बार बार नॉक करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है जी। आपके मतलब खड़े होने के स्टाइल में, चलने के स्टाइल में, मूवमेंट, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। अगर आप देखेंगे तो शरीर के अंदर साइन बहुत क्लियरली दिखते हैं। बहुत मोटा सा एक हमारे योग में माना जाता है कि ये पता करें कि शरीर स्वस्थ है या नहीं है किसी का भी। अगर आपके दाएं और बाएं हाथ मतलब साइड पे मुड़ने में फर्क है, भाई एक साइड आपकी ज्यादा कंफर्टेबली मुड़ती है एक साइड, तो मान के चलिए 200% की आपके शरीर में बीमारी है। और आप योग करेंगे धीरे धीरे देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी। जैसे जैसे बैलेंस होंगी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, आपको पता पड़ जाएगा कि आप ठीक हो गए। और चंद्र जी आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो बोलता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है पर मुझे नहीं पता कि मुझे वो है कौन सी प्रॉब्लम, तो आप उस चीज़ से कैसे डील करते हैं? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखिए हमेशा क्या होता है कि कोई भी बीमारी जब कोई या तो वो शुरुआत हो रही है किसी बीमारी की या वो बीमारी हमें हो चुकी है तो उसका जो है ऐसा बोला जाता है कि मुंह जो ओरल कैविटी है मतलब मुंह जो है उसका एक आईना होता है पूरे शरीर का। तो अगर आपके शरीर में किसी भी ऑर्गन में कोई भी बीमारी हो रही है तो मुंह में जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक उसका कारक है, वो एक उसका इंडिकेटर है कि हाँ आपके शरीर में कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो प्रॉपर जब आप जांच करवाते हैं या किसी फिजिशियन के पास जाते हैं वो जैसे आपका ओरल कैविटी चेक करते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आती है। आपके जो नेल बेड्स हैं यानी कि आपके जो नाखून हैं, नाखूनों का भी कलर चेंज होता है। जैसे कुछ लीवर की बीमारियां होती है उससे जो है नाखून का भी कलर चेंज होता है। तो बहुत सारी चीज़ों से सिर्फ आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। और फिर इसके बाद अगर कोई भी चीज़ है किसी भी बीमारी के संदर्भ में या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है वो दिक्कत लेकर अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो फिर डॉक्टर एक बार तो उसका डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है उसका जो है प्रॉपर जो है फिर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा और टेस्ट करवाई जाएगी कि हाँ ये बीमारी अगर है तो उसको रूल आउट किया जाएगा कि वो चीज़ क्या है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम एक ट्रीटमेंट प्लान पे बन सकते हैं कि हाँ इस इंसान को जो है ये बीमारी है और उसका ये इलाज हो सकता है। जी जी अब व्यास जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारे एक दर्शक ने आपसे सवाल पूछने को कहा कि अगर हम लोग हमारे से जुड़ा योग का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन फिर भी हम एलोपैथ की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी इंटरनेशनल लेवल की मेडिसिन हम लोगों की जिसे कहेंगे एक ज़रूरत बन चुकी है और इंटरनेशनल जिसे कहेंगे मेडिकल साइंस डेवलपमेंट करता है तो हम उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए इसके अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के अंदर फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल जो लॉबी है जी वो भयंकरतम स्ट्रांग है। दे आर मोर स्ट्रांगर देन डिफेंस लॉबी, पहली चीज़। और उनकी मार्केटिंग टैक्टिस गजब की है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का उन्होंने पहला माना था पैरामीटर की एक्स था कि भाई इतनी या शुगर हो तो ठीक है। फिर माना उन्होंने, अभी जो लेटेस्ट मेडिकल डेटा की कम कर दिया उन्होंने, शायद मुझे याद नहीं कितना 80 या 100 कर दिया, तो फिर ज़्यादातर लोग उसमें डायबिटीज़ के घेरे में आ गए। अभी जो मेडिकल डेटा रिलीज लेटेस्ट आया है रिसर्च, उस पर 250 mg की शुगर का आया कि पीपी मतलब खाने के बाद 250 mg की शुगर हो तो आपके डायबिटीज़ नहीं है जी। तो ये जो चीज़ें हैं कि डरा के मार्केटिंग के हिसाब से, देखिए मार्केटिंग जो है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग द नीड एंड देन फुलफिलिंग द नीड थ्रू योर सर्विसेज और योर एफर्ट्स और योर प्रोडक्ट। तो पहले आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करते, यहाँ पे आइडेंटिफाई करके फिर क्रिएट फियर साइकोसिस और उसको क्रेडुलेंस देते हैं मेडिकल रिसर्च के जो कि प्योरली फाइनेंस होती है, स्पॉन्सर्ड होती है, उसके साहब ये हो गई, ये रिसर्च आई है, उसके बाद फिर अपना प्रोडक्ट बेचते। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण कि हमारा जो देश है वो चाहे 70 साल पहले आज़ाद हो गया हो पर बेसिकली हम आज़ाद अभी 2014 में हुए। हमारी कल्चरली जो इंडिपेंडेंस है, कॉन्फिडेंस जो है, सिक्योरिटी जो है, इन्फिनिटी हमारी दूर हुई है। जैसे जैसे हमारी इन्फिनिटी दूर हो रही है हमारा अपने कल्चर के प्रति गर्व जग रहा है तो हम अपनी पुरानी पद्धतियों को अपना रहे और बहुत तेज़ी से अपना रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आसान हो जाती है। तो जिस तरीके से आपने देखा हमारे साथ योग गुरु भी मौजूद थे, डॉक्टर भी मौजूद थे, यानी कि आयुर्वेद डॉक्टर का एक कॉम्बिनेशन, और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग की महत्वता तो क्या कुछ है, लेकिन बिना एलोपैथ की भी ये गुजारा नहीं चल सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।